स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी पढ़ाया जा रहा है। तो कंटिन्यूटी चैप्टर में मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है इसके पहले के 3 वीडियो में। यदि आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप उन तीनों क्लासों को ध्यान से देख सकते हैं। और उसके बाद चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 के आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यदि आपने इसके पहले की क्लासों को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से सामने आ जाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपके सामने नोट किया है और इसमें निर्देश में बोला जा रहा है कि फलन एफ के सांतत्व पर विचार कीजिए जहाँ फलन जो है निम्न प्रकार से परिभाषित है। देखिए भाई, यहाँ पर जो फलन परिभाषित है उसी को आपको ध्यान से समझना है। तीन बातें समझनी, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। लेस देन के लिए कौन सा फलन होगा, ग्रेटर देन के लिए कौन सा फलन होगा और इक्वल टू के लिए कौन सा फलन होगा। ये चीज़ जैसे आप समझ गए बस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, ठीक है। आप ये समझ जाइए कि एक्स बराबर किस मान पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी सांतता चेक करनी है। यहाँ पर देखिए, ये फलन परिभाषित है कि फलन एफ एक्स का मान 3 के बराबर होगा यदि जो x की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी और बराबर होगी। फलन fx की वैल्यू 4 के बराबर होगी जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होगी। फलन fx की वैल्यू 5 के बराबर होगी यदि x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में होगी और बराबर होगी, यानी 3 भी शामिल और 10 भी शामिल। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर टूट रही है, यानी ब्रेक हो रही है। एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो x बराबर 1 पर बात टूट रही है, यानी x बराबर 1 पर आपको सांतता का परीक्षण करना है। उसके बाद आगे देखिए x लेस देन 3 और उसके बाद यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। x बराबर 3 बिंदु पर भी यहाँ पर आपकी जो बात है वो आपकी ब्रेक हो रही है, इसका मतलब x बराबर 3 पर आपको क्या करना है, सांतता का परीक्षण करना है। अगर 10 और 0 की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10 के लिए x की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, लेस है, लेकिन ग्रेटर नहीं मिलेगी। इक्वल भी मिलेगी लेकिन ग्रेटर नहीं मिल रही। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है, इक्वल है, लेकिन 0 के लिए लेस के लिए फलन नहीं मिल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ x बराबर 1 और x बराबर 3 पर सांतता का परीक्षण करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले तो हम x बराबर किस पर चेक करेंगे भाई, x बराबर 1 पर। तो सबसे पहला काम हमारा होता है और दूसरी बात यहाँ पर x बराबर हम 3 पर चेक करेंगे, ठीक है। इस परिभाषा से हमें ये निष्कर्ष मिला है कि हमें x बराबर 1 और x बराबर 3 पर सांतता का परीक्षण करना है। तो सांतता का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एफ एक्स का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, देखिए एक्स बराबर 1 के लिए तो यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगा है, एक्स बराबर 1 के लिए फलन का मान कितना है भाई, 3 है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो एफ वन की वैल्यू है वो कितनी भाई, 3। अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू, यहाँ पर 1 लिमिट पर प्राप्त करें तो 1 माइनस लिखेंगे और एफ एक्स लिखेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर देखिए एक्स लेस देन 1 लिखा, यानी एक्स लेस देन 1 के लिए जो फलन है वो आपका, उसका मान भाई 3 है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर। इसी प्रकार आप राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस और एफ एक्स, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब जो है आपको एक्स से ग्रेटर वैल्यू के लिए फलन देखना है, तो एक्स ग्रेटर है यहाँ पर 1 से, देख सकते हो इसके लिए फलन का मान कितना भाई, 4। तो ये आपका हो जाएगा भाई 4। आप देख रहे हो कि x बराबर 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू, यानी जो f1 की वैल्यू है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो तो आपस में बराबर आ रही 3-3, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो फलन है वो x बराबर 1 पर क्या है, आप कह सकते हो कि fx असतत है। क्या है भाई, असतत है। क्लियर भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अभी एक बात रह गई है, ये तो x बराबर 1 के लिए आंसर हुआ है। x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर देखिए भाई फलन क्या होगा, x बराबर 3 तो यहाँ पर देख सकते हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा है, तो इसके आगे फंक्शन की वैल्यू कितनी भाई, 5। इसका मतलब f जो 1 की वैल्यू नहीं 3 की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें 3 पर चेक करना है, f 3 की वैल्यू जो होगी वो आपकी 5 होगी।
फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस x लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन, देखिए यहाँ पर x लेस देन 3 के लिए आपका फंक्शन की वैल्यू 4 है, यहाँ पर लिख दीजिए भाई 4, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 4 है वेरिएबल है नहीं, तो लिमिट रखने की कोई जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। राइट हैंड लिमिट ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, यानी 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, और एफ एक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 3, तो इसके लिए फलन का मान कितना भाई 5, तो ये आपका हो जाएगा 5। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमने एफ 3 की वैल्यू निकाली, यानी x बराबर 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू देखी तो वो 5 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो 4 है, राइट हैंड लिमिट निकाला तो 5, तो फंक्शन की जो वैल्यू आई है x बराबर 3 पर वो राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि x बराबर 3 पर जो एफ एक्स है वो क्या भाई असतत है, क्या भाई डिसकंटिन्यूअस है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आप समझ सकते हो यदि जो फलन परिभाषित है उसको अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है, उसको समझ लिया, अगर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी अभी आपको दिक्कत खड़ी कर रहा हो तो आप इसको दोबारा देखिए, ठीक है, और देख लीजिएगा इस क्लास समाप्त होने के बाद, दोबारा देख लीजिएगा इसके आगे के क्वेश्चन देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको बताते हैं थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में जो फलन है वो कैसे भाई परिभाषित है, लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर फलन परिभाषित है 2x लिखा है, यदि x लेस देन 0, उसके बाद 0, यदि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, उसके बाद दिया गया 4x, यदि x ग्रेटर देन 1, इस प्रकार आपका फलन जो है वो परिभाषित है भाई। अब इसको आप समझिए कि यहां पर फलन जो है किस लिमिट पर ब्रेक हो रहा है, इसको जब आप समझोगे तो खुद जान जाओगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 2x, एफ एक्स का मान 2x होगा यदि x लेस देन 0, अब लेस देन के लिए आप देखिए 0 दिखा दिया तो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए भी 0 मिल रहा है, देखिए एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी यदि x की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से और इक्वल होगी, यानी आपको x बराबर 0 पर जो है कंटिन्यूटी चेक करनी है, बात ब्रेक हुई ना यहाँ पर 0 पर। उसके बाद देखिए आगे स्टार्ट हुआ x लेस देन इक्वल टू 1, अब x लेस देन इक्वल टू 1 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए देखिए, तो इक्वल टू के लिए देखना नहीं क्योंकि इक्वल टू यहाँ पर मिल गया है, x ग्रेटर 1 तो x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका फंक्शन एफ एक्स, यानी x बराबर 0 और x बराबर 1 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम फलन की वैल्यू देखते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू x बराबर 0 पर, यहाँ पर इक्वल टू का जो है चिन्ह लगा तो इसका मतलब ये आपका 0 हो जाएगा, या एफ 0 बराबर आप लिख सकते हो 0। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए x लेस देन 0 लिखा है तो फंक्शन आपका 2x है, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे ये आपका 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हो 0 उसके बाद ग्रेटर देन x, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है तो आपको वैल्यू कितनी दी गई 0 दी गई, इसका मतलब ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फलन की वैल्यू आ रही है x बराबर 0 पर और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है, जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, अतः आप यहाँ पर लिखोगे कि x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है भाई कंटिन्यूअस है भाई कंटिन्यूअस है। दूसरी x बराबर 1 पर आपको कंटिन्यूटी जो है चेक करनी है,
तो आप यहाँ पर लिखोगे x बराबर 1 पर। फलन कितना होगा भाई, देखिए भाई यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू का चिन्ह लगा है और उसके बाद 1 लिखा है, यानी इक्वल टू के लिए आप 0 लोगे, तो fx इक्वल टू 0, या आप कह सकते हो कि f1 इक्वल टू 0। आगे क्या करोगे, अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू, लिमिट है आपकी 1 to 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, यानी आपको x लेस देन देखना है, तो x लेस देन 1 यहाँ पर है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है, तो ये आपका हो जाएगा 0। फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस के लिए फंक्शन कितना है, यहाँ पर देख सकते हो x ग्रेटर है, ग्रेटर देन का मतलब 1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन आपका हो जाएगा 4x। जैसे यहाँ पर 4 इंटू एक्स के स्थान पर 1 पुट करोगे ये 4 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि जो f1 की वैल्यू आई है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के तो बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी भाई, 4 है। इसका मतलब एक्स बराबर 1 पर जो fx है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी असंतत है। बताइए भाई, है कोई प्रॉब्लम आपको किसी क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर आपने 3 क्लासेस देखी हैं तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये चीज़ मैं मान सकता हूँ, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, तो और अच्छे से थोड़ा बात समझ में आए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया जा रहा है कि एक फलन है जो कि निम्न प्रकार से परिभाषित है, -2 यदि x लेस देन इक्वल टू -1, 2x यदि -1 ग्रेटर देन x और लेस देन इक्वल टू 1, 2 यदि x ग्रेटर देन 1, इस प्रकार आपका फलन परिभाषित है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है कि -2 यदि x लेस देन इक्वल टू -1, तो लेस देन इक्वल टू मिल गया। अब चाहिए आपको ग्रेटर देन x -1 पर, यहाँ पर देखिए तो x -1 पर ग्रेटर है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन और इक्वल टू के लिए फंक्शन, और ग्रेटर देन यहाँ पर दिया, इसका मतलब यहाँ पर आपको किसके लिए फंक्शन दिया है, राइट हैंड लिमिट के लिए। उसके बाद x लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब 1 से कम और बराबर पर, तो बराबर पर फलन की वैल्यू ये हो जाएगी x बराबर 1 पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए 2 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर -1 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है और x बराबर 1 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो चलिए भाई दोनों चीज़ें चेक कर लेते हैं, पहले x बराबर -1 पर, तो x बराबर -1 देख सकते हो यहाँ पर है, तो आपको वैल्यू कितनी दी गई है, -2 दी गई, तो f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, f-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। अब आप अगले स्टेप में क्या कर दोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, ये लिमिट x टेंड टू -1 है, -1 की पावर -1 लिखोगे, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, ये जाएगा लिमिट x टेंड टू -1 की पावर -1। फंक्शन यहाँ पर देखिए, -1 से हल्की सी कम वैल्यू के लिए फंक्शन, तो कम वैल्यू के लिए मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेस देन, तो यहाँ पर देख सकते हो लेस देन का चिन्ह लगा हुआ है, तो लेस देन के लिए आपका फंक्शन कितना भाई, -2, उसका मान -2 है, यहाँ पर वेरिएबल कहीं पर है नहीं, तो ये वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, ये आपका -2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -1 प्लस और fx, लिमिट x टेंड टू -1 प्लस x की वैल्यू जो है वो -1 से हल्की सी बड़ी हो तब फंक्शन क्या होगा, तो x की वैल्यू -1 से जब बड़ी है तो फंक्शन है आपका 2x, लिख देंगे यहाँ पर 2x, x के स्थान पर जैसे ही -1 लिखोगे तो ये -2 आ जाएगा। आप देख रहे हो कि जो f-1 की वैल्यू आई है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, ये तीनों वैल्यू सेम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 पर फलन fx बराबर जो भी फलन है आपका, वो आपका क्या है भाई, सतत है, लिख दो बस,
क्योंकि यहाँ पर फलन का ही है, कोई पर्टिकुलर एक फंक्शन तो है नहीं। उसके बाद आपको x बराबर 1 पर देखना है, तो x बराबर 1 पर जब x बराबर 1 हो तो फलन कितना यहाँ पर दिया गया, देखिए भाई x बराबर 1 हो तो फलन आपको 2x दिया गया है। तो जैसे 2 के स्थान पर पहले तो आप fx बराबर लिख दीजिए भाई 2x, और जैसे ही x के स्थान पर 1 पुट करोगे 2 इंटू में 1 यानी आपका हो जाएगा 2। अगले स्टेप में आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त करते हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप फंक्शन देख सकते हो, यहाँ x लेस देन 1 है, इसका मतलब ये फंक्शन होगा। यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस और एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स x लेस देन 1, यानी 1 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन आपका 2x है। यहाँ पर लिखोगे 2x, x के स्थान पर 1 पुट करोगे 2 इंटू 1 यानी आपका हो जाएगा 2। उसके बाद अगले स्टेप में राइट हैंड लिमिट आप प्राप्त करोगे लिमिट x टेंड टू 1 प्लस और एफ एक्स, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस के लिए, यानी 1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू के लिए। आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन 1 के लिए जो आपका फंक्शन है 2 है, बड़ी वैल्यू के लिए 2, ये आपका हो जाएगा 2 के बराबर। आप देख सकते हो कि जो हमने f 1 की वैल्यू प्राप्त की, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त की, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त की, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। इसका मतलब x बराबर 1 पर जो एफ एक्स है वो क्या है भाई, कंटिन्यूअस है। क्लियर इतनी बात, चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए जो निम्न फलन है वो इस प्रकार परिभाषित है, देखिए कैसे परिभाषित है, ए एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, और बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स ग्रेटर देन 3 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और एक्स ग्रेटर देन 3, यानी एक्स बराबर केवल और केवल 3 पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 3 पर, एक्स जब 3 के बराबर है तो फंक्शन कितना है आपका ए एक्स प्लस 1, एफ एक्स बराबर आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस 1। सबसे पहले एक्स बराबर 3 पर फलन की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस का 1, एक्स के स्थान पर कितना पुट करोगे भाई 3। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कितना हो जाएगा एक्स लेस देन 3 यानी ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3 लिमिट पर निकालना, तो यहाँ 3 माइनस लिखेंगे इंटू में एफ एक्स लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू, ये एफ एक्स जो है इंटू नहीं बोलेंगे, लिमिट एफ एक्स बोलेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, एक अदर वर्ड अगर गलती से निकल जाया करे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है, जल्दबाजी में कभी कभी निकल जाता है। x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स कितना होगा भाई, 3 से हल्की से कम वैल्यू के लिए आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस 1, जैसे एक्स के स्थान पर आप 3 पुट करोगे ये आपका हो जाएगा 3a प्लस 1। फिर राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू के लिए, यानी x ग्रेटर देन 3 के लिए आपका फंक्शन जो दिया गया है वो बी एक्स प्लस 3 दिया गया है। x के स्थान पर जैसे ही 3 आप पुट करोगे 3b प्लस का कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। अब ये बोला गया है इस क्वेश्चन में, बोला गया है कि द्वारा फलन जो है x बराबर 3 पर सतत है, और सतत होने की कंडीशन होती है कि जो फंक्शन की वैल्यू हो उस लिमिट पर, यानी f3 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। फंक्शन अभी तक सतत होता तो यही कंडीशन तो होती थी, कंडीशन मैंने दिखा दी। तो देखिए भाई f3 की वैल्यू कितनी आई है 3a प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है 3b प्लस का 3, इतना दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है और ये वैल्यू जो है इसके बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अर्थात जो 3a प्लस 1 होगा वो 3b प्लस 3 के बराबर होगा। इसको आप इधर लाओगे और 3 कॉमन लोगे तो ये a माइनस b हो जाएगा, और ये 1 उधर जाएगा तो 3 माइनस 1 यानी आपका 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर आप देखो तो ये a माइनस b बराबर आपका हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। अगर आप a की वैल्यू b के पदों में निकालोगे तो ये b उधर जाएगा, b प्लस का 2/3 हो जाएगा,
चाहे ये आप आंसर में लिख दो और चाहे तो बी इधर ले आओ, तो आप बी इधर लेकर आओगे तो प्लस का हो जाएगा, 2/3 इधर जाएगा तो ए माइनस का 2/3 हो जाएगा। चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये आंसर, दोनों आंसर सही है। ये ए की वैल्यू बी के पदों में, बी की वैल्यू ए के पदों में, यही ए और बी में क्या होगा, संबंध होगा। चाहे आप ए का मान निकालो चाहे बी का मान निकालो, बी का मान निकालोगे तो ए के पदों में आएगा, ए का मान निकालोगे तो बी के पदों में आएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी हम नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए एक फलन एफ एक्स है वो निम्न प्रकार से परिभाषित है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x यदि x लेस देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, जिससे आप चेक कर पाओ कि फलन कंटिन्यूअस है या नहीं लैम्डा के किस मान के लिए। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो लैम्डा की वैल्यू आएगी नहीं। इसका मतलब लैम्डा जो है वास्तविक संख्याओं के लिए हो जाएगा। देखिए कैसे भाई, बताता हूँ। यहाँ पर एक बात और बोली जा रही है कि द्वारा फलन जो परिभाषित है वो x बराबर 0 पर सतत है और x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। आप x बराबर 1 पर भी आपको सांतत्य पर विचार करना है। तो सबसे पहले x बराबर 0 की हम बात करते हैं, तो x जब 0 के बराबर है तो फलन आपका कितना है, तब फलन आपका लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है। जैसे ही x के स्थान पर 0 पुट करोगे तो ये लैम्डा ये 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 यानी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 से कम वैल्यू के लिए आप देख सकते हो फलन कितना है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। जैसे x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0। फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा दिया गया है, 4x दिया गया है। कितना है, 4x प्लस 1, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस के लिए फंक्शन दिया गया है 4x प्लस 1। यहाँ पर आप x के स्थान पर 0 पुट करोगे ये 1 हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमने f 0 की वैल्यू निकाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली है, वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब फलन जो है वो आपका x बराबर 0 पर असतत है, और जब असतत है तो इसका मतलब जब ये कोई फलन लैम्डा के रूप में आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा का कोई मान नहीं होगा, यानी लैम्डा जो होगा वो एक रियल नंबर में बिलोंग करेगा। यानी x बराबर 0 पर जो होगा फलन आपका असतत होगा, जबकि लैम्डा के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए फलन क्या होगा भाई, सतत होगा। क्योंकि ये 0 पर असतत आ रहा है ना, इसका मतलब लैम्डा के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए फलन क्या होगा भाई, सतत होगा। लेकिन x बराबर 0 पर असतत होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा असतत, x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस। आगे देख लेते हैं, इन्होंने एक बात और क्वेश्चन में बोली है कि x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। तो x बराबर हम 1 पर निकालेंगे, सांतता का परीक्षण करेंगे। तो जब x 1 के बराबर है तो आप देख सकते हो फलन क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी थी, तो 0 से बड़ी होने का मतलब यहाँ पर x बराबर 1 के लिए भी यही फलन होगा। क्या होगा, एफ एक्स बराबर आपका 4x प्लस 1 होगा। यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन आपका लिखा है 0, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी होने का मतलब x बराबर 1 के लिए भी फंक्शन आपका 4x प्लस 1 होगा। यहाँ पर आप जब 1 पर फलन की वैल्यू प्राप्त करोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी बराबर आपका हो जाएगा 5। अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त करोगे, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस x की वैल्यू जो है 1 से कम है। 1 से कम का मतलब क्या है, 0 से तो बड़ी है ही है ना, और 0 से बड़ी होने के लिए क्या फंक्शन कितना है, 4x प्लस 1। यहाँ पर लिखिए भाई 4x प्लस 1, और जैसे ही 1 पुट करोगे 4 इंटू में 1 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त कीजिए, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस और फंक्शन, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी भी
इसी में इसी फंक्शन के लिए होगी क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर जीरो है, जीरो से बड़ी, यहाँ पर जीरो से कम है, तो जीरो से कम के लिए ये फंक्शन हम नहीं लेंगे, हमको जीरो से अधिक ही लेना है, तभी तो वन प्लस का मतलब वन से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर आपका जो फंक्शन होगा वो आपका फोर एक्स प्लस वन होगा। लिमिट x टेंड टू वन प्लस के लिए फंक्शन यही होगा फोर एक्स प्लस वन, जैसे वैल्यू पुट करोगे फोर इंटू वन प्लस वन यानी आपका फाइव हो जाएगा। आप लिखोगे कि जो f1 की वैल्यू आई है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, अतः x बराबर वन पर एफ एक्स क्या होगा भाई, कंटिन्यूस होगा। बताइए भाई, देखिए क्वेश्चनों में कोई विशेष दम नहीं है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आपका प्रत्येक सॉल्व हो जाएगा। यदि आप ये पहली बार क्लास देख रहे हैं, इसके पहले की क्लास नहीं देखे थे तब आपको प्रॉब्लम भी होगी, अगर आप इसके पहले की क्लासों को देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बहुत आसान थे, बस थोड़ा सा जो ये फलन परिभाषित था उसको एक दो बार पढ़ना था, अच्छे तरीके से समझना था कि किस लिमिट पर कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, बाकी कुछ नहीं। तो क्वेश्चन जो भी रह गए हैं वो आगे की क्लास में आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे, आज की क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।